देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप थंबनेल देख करके इस वीडियो में आए हैं और तो आपको बता दें कि आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, पेशेंसफुली लास्ट तक वॉच करिएगा, तब जाकर के आपको मीनिंग समझ में आएगा कि एक्चुअल में व्हाई वी आर मेकिंग टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो हेलो एवरीवन, शालेय शिक्षा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं सीधा मुद्दे। तो स्टूडेंट्स, बात है कि देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी जो आपका एग्जामिनेशन डेट है, एग्जामिनेशन डेट यूपीपीसीएल जे इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात हो रही है कि उसका जो एग्जामिनेशन डेट है, ऑलरेडी नोटिस जो है लीक हो चुकी है। जो नोटिस है लीक हो चुकी है, इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि मेन साइट पर भी अपलोड नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले ही नोटिस लीक हो चुकी है। और यह जो नोटिस, पता नहीं सही होगा कि गलत होगा, इस बात की बात है, लेकिन आपको पिछला रिकॉर्ड बताएं तो ये नोटिस बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पिछली बार भी जो वैकेंसी हुई थी और उसका जो एग्जामिनेशन हुआ था, ऐसे हुआ था, पहले नोटिस आ गई, लोग सोचे ये फेक है, लेकिन उसी डेट पर एग्जामिनेशन हो गया। सो जो न्यू कमर स्टूडेंट हैं, जो पुराने लोग हैं वो तो जानते होंगे, जो न्यू कमर हैं उनके लिए बता दें कि आप इसको बिल्कुल सत्य मान के चलिएगा कि इसी डेट पर आपका एग्जामिनेशन होगा, और होगा भी एकदम 100% हमको विश्वास है। अब क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि ऐसा हो क्यों रहा है, पहले ही नोटिस क्यों लीक हो जा रही है, और मेन साइट पे जिसको आना चाहिए वो पहले ही कैसे लीक हो जा रहा है। अब देखिए, एक चीज और आपको बता दें कि अभी हाल ही में एनटीपीसी क्या देख ही रहे हैं कि 4 दिन पहले आपको पता चला होगा, यूट्यूब वगैरह पे न्यूज देख ही लिए होंगे कि वहां पर ऑलरेडी जो साल्वर गैंग है वो 2 करोड़ रुपया ले चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि धांधली हो रही है, और इसी गवर्नमेंट में हो रही है, जो बीजेपी का सरकार है, इसी गवर्नमेंट में ही, इसी सरकार में ही धांधली हो रही है। अब चलिए आपको थोड़ा और पीछे लेके चलते हैं। देखिए 2018 की बात है, अब यहाँ पर हमको बता दें कि बहुत दिन हो गया, हम भी उस सिचुएशन से गुजरे हैं इसलिए हमको वो चीज़ें याद है, बट एग्जैक्ट जो डेटा है शायद 2017 या 18 का समय था, 2018 ही मान के चलते हैं, और जो लोग उस समय रहे होंगे वो लोग एग्री भी करेंगे हमारी बातों को, और जो न्यू कमर है वो जान जाएंगे। देखिए हुआ क्या था 2018 में, हुआ क्या था कि उस समय एक राम बाबू नाम का लड़का था, और यूपीपीसीएल जे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के एग्जामिनेशन में ही वो बैठा था और एग्जाम दे रहा था, और उसने 200 में से 200 नंबर अचीव कर लिए, जबकि 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो छुड़वा दिए गए थे, बोल दिया गया था कि आप इसको लीव कर दीजिए, क्योंकि उसका फिगर शो नहीं हो रहा था कंप्यूटर के स्क्रीन पर, आधा अधूरा शो हो रहा था, तो इसीलिए बोला गया कि इसको छोड़ दीजिए और आप सिर्फ और सिर्फ 190 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, उसी में आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन वो क्या किया भाई, पैसा दिया था, क्या किया कि पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया, और यहीं पर लोगों को डाउट हो गया और इसी वजह से पकड़ा गया, नहीं तो पकड़ा भी नहीं जाता। अब एक और आपको कहानी बताते हैं, एक्चुअल में कहानी नहीं सच्चाई है, कि उसी बैच में, उसी मतलब 2018 वाले ही एग्जामिनेशन में हमारे एक सीनियर थे, वो भी एग्जाम दिए थे, वो भी बैठे थे, और उनका 160 प्लस नंबर था। जब हम ये नंबर सुने तो हम शॉक्ड हो गए। आपको बता दें कि उस एग्जामिनेशन में हमारा भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन जब वैकेंसी कैंसिल हो गई, दोबारा फिर एग्जाम हुआ, तो उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब आते हैं अपने सीनियर के ऊपर, जो हमारे सीनियर थे वो बैठे हुए थे उसी एग्जामिनेशन में, और वो उसी एग्जामिनेशन में 160 प्लस के आसपास नंबर आया उनका, तो हम शॉक्ड हो गए। हम इसलिए शॉक्ड हो गए क्योंकि उनका जो पॉलिटेक्निक था, उनका जो अब वो पॉलिटेक्निक में थे, तो जब हम फर्स्ट ईयर में गए तो वो फाइनल ईयर में थे, और जब हम फाइनल ईयर में गए तो भी वो फाइनल ईयर में ही थे, और आपको बता दें कि 3 साल का पॉलिटेक्निक करने में उनको 9 साल लगे थे। पहले जो होता था पॉलिटेक्निक, सेमेस्टर वाइज नहीं होता था, ईयरली होता था। तो ईयरली में क्या होता था कि एक बार अगर आप 3 विषयों में फेल हो गए तो आपको फेल माना जाएगा, फिर दूसरी बार भी फेल हो गए तो आपको फेल माना जाएगा, और फिर आप पॉलिटेक्निक से बाहर निकल जाएंगे। तीसरी बार में अगर आप पास कर जाते हैं, 2 विषय में बैक है, तो आप नेक्स्ट ईयर में चले जाएंगे। तो इस तरह कर करके वो 9 सालों में किसी तरह एन केन पकड़ लें आपका जो पॉलिटेक्निक के पास किए थे, लेकिन उनका 160 प्लस नंबर आ गया, तो हम शॉक्ड हो गए कि 4 महीने में ऐसा कौन सा जादू हो गया भाई कि उनका 160 प्लस नंबर आ गया। इतना हार्ड वर्क हम लोग इलाहाबाद वगैरह जाके तैयारी वगैरह करते थे, हम लोगों का उतना नंबर आया नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सब बातें का मतलब, जो धांधली से क्या मतलब है। आपको बता दें कि वही जो सीनियर थे, हमारे जो सीनियर थे, वो लगभग 1 साल के बाद जब वैकेंसी सब कुछ सेकेंड वाली भी हो गई, हमको फोन किए, उनसे आज भी बात होती रहती कभी कभी, लेकिन वो हमसे फोन किए, उस समय की बात बता रहे हैं, और उस समय हमारा कोई चैनल भी नहीं था, अदरवाइज वो जो रिकॉर्डिंग थी, क्योंकि हमारे सेलफोन में ऑटो रिकॉर्डिंग हमेशा रहता है, तो रिकॉर्ड हो गई थी, तो हम चाहते तो अपलोड कर देते अगर उस समय चैनल होता तो, लेकिन चैनल नहीं था इसलिए हम अपलोड नहीं कर पाए। बट वो बातें अब हमको याद आ रही हैं, तो हम इसीलिए इस वीडियो में बता रहे हैं कि आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे। तो वो बताएं हमको कि उनको पेपर मिला था, एक उन्हीं के क्षेत्र के थे कोई, वो उनको पेपर दिए थे, उनका काम ही यही होता है कि हर एक एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं से पेपर लीक करना और उसको कैंडिडेट को देना और पैसा कमाना।
तो यही उनका काम था, तो वो उनको दिए थे और उनको पेपर मिला था, इस वजह से उनका 60+ नंबर आया था। अभी लेटेस्ट में ही जो एग्जाम हुआ यूपी टेट का, यूपी टेट में आप समझ सकते हैं सबके व्हाट्सएप पे चला गया था पेपर, वो तो किस्मत सही था स्टूडेंट लोगों का कि उनका जो पेपर है कैंसिल आउट हो गया। इसके वजह से जो लोग सही कैंडिडेट थे वो, मतलब जो लोग फर्जी वाले थे वो तो ज़्यादा नंबर पा जाते हैं, जो सही थे वो कम नंबर पाते, तो इसके वजह से वो बच गए। फिर सेकेंड एग्जाम हुआ तो शायद उसमें कोई धांधली का न्यूज़ तो नहीं आया, अंदर अंदर क्या हुआ होगा आई डोंट नो। तो कहने का मतलब यही स्टूडेंट्स कि देखिए हर जगह कहीं ना कहीं धांधली हो रही है, और यहाँ पर ऑलरेडी लीक होना नोटिफिकेशन का, यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कुछ ही लोग होते हैं जिनको मेन चीज़ें पता होती है कि एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन कब रिलीज करना है। अब ये सब बातें जो बहुत कम लोगों को, आयोग वालों को ही पता होनी चाहिए, लीक हो जा रही है। अब नॉर्मल से जो लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं उनके तक पहुंच जा रही है, वो वीडियो बना दे रहे हैं सबके तक पहुंच जा रही है, इसका मतलब हम क्या समझे। मान लेते हैं कि चलिए धांधली नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन में तो धांधली होगी कि लीक हो गया, तो ये सब चीज़ें संकेत करता है कि कहीं ना कहीं धांधली होने का डाउट जाता है, ऐसा लगता है कि नहीं धांधली भी हो सकता है। भाई जब लीक हो सकता है तो धांधली क्यों नहीं सकती, जिसको पता चल जाएगा कि हमारा सेंटर यहाँ पर है वहाँ पर सेटअप नहीं, अपना सेटिंग वगैरह नहीं कर लेगा, क्यों नहीं कर लेगा। और आपको बता दें कि हम अपनी बात बता दें, पॉलिटेक्निक का हम खुद एग्जामिनेशन दिए हैं बैठ बैठ कर दूसरों के यहाँ, तो हमको सारा चीज़ें पता होती है कि हाँ कैसे चीज़ें होती है, जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसकी बात करें तो हमको पता है कि नहीं साल्वर जो गैंग होती है कैसे सेटअप करती, उस समय हम लोगों को नहीं पता था, लेकिन जब हमको सच्चाई पता चली कि यार ये गलत है तो हम उस चीज़ों को छोड़ दिए बिल्कुल, हमके कौन 20-25-30 हज़ार रुपये के लिए अपना ज़िंदगी खतरे में डाले और उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करें जो कि सच्चाई के साथ पढ़ रहे हैं, इसी वजह से हम उसको छोड़ दिए। लेकिन बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, और आपको बता दें कि ऐसे ना बैग में पूरा हम लोगों को एडमिट कार्ड दिया जाता था, बांटा जाता था कि भाई देख लो किसका चेहरा मैच कर रहा, उसी के साथ उसी की जगह पे मतलब एग्जामिनेशन के दे दो, तुम उसी की जगह पे एग्जामिनेशन दे दो। और इस तरह से हम कितनी बार सिद्धार्थ दुबे और मुस्लिम वगैरह, मतलब कई नाम से हम एग्जाम दिए थे 2-3 बार, लेकिन जब हमारा ज्ञान खुला तो हम उसको बिल्कुल छोड़ दिए, और अब हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो चुके हैं, अब हमको ऐसा काम ही नहीं करना है जिनसे कि जो मेन सच्चे लोग हैं उनके ऊपर कोई मुसीबत आए, उनकी मतलब परेशानी दिक्कत सामना उनको करना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सो अब आपको बता दें कि अपने एक्सपीरियंस के साथ हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं धांधली होने की संभावना है, तो अब इस वीडियो को बनाने का पर्पज क्या है। देखिए इस वीडियो का पर्पज यही है कि स्टूडेंट्स आप लोग अलर्ट हो जाइए और अपनी तैयारी को इस लेवल तक पहुंचाइए कि आप कंपीट उससे करिए जो धांधली के लिए बैठेगा, उससे आप कंपीट करिए। आप मान लीजिए कि 171 पद है तो 171 पद को छोड़ दीजिए, मान लीजिए 100 पद है और उसी 100 पद के लिए आप फाइट करिए और अपनी तैयारी को इस लेवल में ले जाइए कि आपके सामने वो जो धांधली वाला है ना वो भी टिक ना पाए, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। इस वजह से इस वीडियो को बनाना हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम समझ रहे थे कि इस वीडियो को बनाना ही चाहिए, अदरवाइज जो न्यू कमर स्टूडेंट है उनके तक तो उनके पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो तो ऐसे ही पढ़ के जाएंगे, चलो ये पढ़ लेते सिलेबस ही ना, सिलेबस पढ़ के चलते हैं, पता चला कि नेक्स्ट लेवल थोड़ा सा अप कर दिया। कहने का मतलब देखिए अप करे या ना करे, आपका जो सिलेबस अप पढ़ देना तो एकदम कंसेप्चुअल बेस पर पढ़िएगा और पूरा जैसे बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक एक एक क्वेश्चन क्लियर करते हुए चलिएगा, एक एक टॉपिक एक एक कंसेप्ट, तभी दूसरा सब्जेक्ट उठाइएगा। और थोड़ा सा ये पढ़ लें, थोड़ा सा वो पढ़ लें, थोड़ा सा मशीन पढ़ लें, थोड़ा सा EIM पढ़ लें, थोड़ा सा बेसिक पढ़ लें, अब पता चला यहाँ का भी कंसेप्ट क्लियर नहीं, वहाँ कंसेप्ट क्लियर नहीं, उसी में फर्जीवाड़ा करें, तो पता चला कि आपका सिलेक्शन कन्फर्म है कि नहीं होगा। आप मान के चलिए कि एकदम श्योरिटी के साथ जब एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ना, तब जाके आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो का पर्पज यही था कि आपको हम बताएं कि देखिए धांधली कहीं ना कहीं हो रही है, ढोल में पोल है, और कहा जाता है देहात में एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, तो पूत के पांव पालने में दिखने का मतलब क्या हुआ कि नोटिस देखिए लीक हो गई, तो लीक होने का मतलब क्या हम समझे कि हो सकता है एग्जामिनेशन भी उसमें कुछ ना कुछ लीक हुआ हो या धांधली हो जाए, सो हमको अलर्ट होकर चलना है। स्टूडेंट्स इस वीडियो का पर्पज यही था कि आप अलर्ट हो जाइए और अपने आप को उस लेवल तक ले जाइए कि 100 में से आपको कंप्लीट करना है, 71 को छोड़ दीजिए, मारी गोली इसको हटाइए। तो आई होप कि आपको वीडियो का जो पर्पज है पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, आपको लगा होगा कि नहीं ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम अपने एक्सपीरियंस बेस्ड पे भी बोले हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो का करते खत्म, जय हिंद वंदे मातरम, आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल की हो और आप अच्छे से पढ़ें, आपका पढ़ाई मन लगे, हमारी भगवान से विश है कामना है। तो चलिए वीडियो करते हैं खत्म, वंदे मातरम।